जी दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार। 25 मार्च को बहरीन का इंटरव्यू है और फिनिशिंग कारपेंटर इसमें चाहिए। फिनिशिंग कारपेंटर वही चाहिए जो विदेश में रहे हैं, जीसीसी रहे हैं, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और ये हमारे ऑफिस का मोबाइल नंबर है 7880600477। जो साथी फिनिशिंग कारपेंटर का इंटरव्यू देना चाहते हैं, इस पर अपना डॉक्यूमेंट भेज के और जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू भी देने के लिए 25 मार्च को आ सकते हैं। 25 मार्च को जो है सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सुबह 9:30 से 10 बजे तक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरीन की बहुत बेहतरीन कंपनी का इंटरव्यू है और कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि कंपनी का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। और 50 फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, जिसमें से मैं बता दूं 30-35 हो गए हैं, सिर्फ 15 ही आदमी और चाहिए। तो 15 आदमी जो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी पाएगा मेरे भाइयों। और ये फिनिशिंग कारपेंटर का है और इसमें जो है 120 BD 8 घंटे की सैलरी है। इसके बाद ओवर टाइम है, कंपनी का जो है ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, किचन फैसिलिटी सारा चीज़ें दे रही है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, सैलरी जो है बहुत ही अच्छा है और ओवर टाइम बहुत ही अच्छा चलता है इस कंपनी में मेरे भाइयों। तो देखिएगा, जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। ये नंबर जो है ऑफिस का है, इसमें जो भी साथी जितना जल्दी अपना जो है रिज्यूम भेज देगा, डॉक्यूमेंट भेज देगा, उसका उतना जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वेबसाइट पर भी जाके देख सकता है कि उसका है कि नहीं है। और 25 तारीख को आना भी पड़ेगा मेरे भाइयों। तो फिनिशिंग कारपेंटर है, 30 आदमी इसमें हो चुके हैं और लगभग लगभग 20 ही आदमी और चाहिए। और जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी बेहतर रहेगा। 25 तारीख को जो भी लोग क्लाइंट इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, 25 तारीख को जो भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, वो जो है सुबह 9:30 से 10 बजे तक जो भी लोग आएंगे, सारे लोगों का इंटरव्यू करा दिया जाएगा। जो इंटरव्यू पास करेगा उसको ऑन द स्पॉट तुरंत ऑफर लेटर मिलेगा, तुरंत का तुरंत, और तुरंत उसका जो है काम हो जाएगा। बहरीन के लिए मेरे साथियों बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल डबल नेम नाम ही चलता है, जैसे मोहन कुमार, सोहन कुमार, MD मनो, कुछ दो भी है असलम अंसारी, सिर्फ दो नाम चाहिए, सिर्फ एक नाम है तो नहीं वीज़ा निकल पाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, विदेश रिटर्नर ही चाहिए। और जो है अब सिलसिला सलाम आदाब नमस्कार कबूल करिए। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, जान लीजिए। इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपसे बात करूँ। इस वीडियो को फेमस कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो जिन लोगों के पास जाएगा, देखिए संदीप मौर्य भाई तुरंत शेयर कर दिए, दिनेश कुमार भाई शेयर कर दिए, आप भी शेयर कर दीजिए भैया, कम से कम आपका नाम ले सकूं मैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। और जो है असलम अंसारी भाई कतर से बोल देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ये रिक्वायरमेंट है और 25 मार्च को इंटरव्यू है, जो भी साथी देना चाहता है वो तुरंत मेरे ऑफिस पे आ जाएगा, उसका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जितना, क्योंकि मालूम नहीं रहता है कितने लोग आएंगे, क्या है क्या नहीं है, इसीलिए हम ऑफिस का नंबर दे रहे हैं कि उस पर व्हाट्सएप करके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ें आप भेज सकें, ठीक है। बाकी जो है साथी कोई हमसे बात करना चाहता है तो वीडियो को शेयर करें ताकि हम बात कर सकें। सौदागर चौहान साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई साथी है सौदागर चौहान साहब, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने वीडियो भी शेयर किया, हर एक वीडियो हमारा शेयर करते हैं सौदागर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप। हमारा ऑफिस देखिए मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में है। यूट्यूब पे सिर्फ सर्च मारेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस आपको आ जाएगा। जी सौदागर भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे हर एक वीडियो को शेयर करते हैं। कहाँ से देख रहे हैं आप? सर मैं आजमगढ़ सर, आपके यहाँ इस पर 2 बार गया था अभी सर, मैं 15 तारीख में गया था सर। क्या ट्रेड है आपका? सर प्लम्बर का हमारा सर, एक अरे सिंघड़िया में प्रिंस का के ऑफिस है ना सर, वही सर पासपोर्ट रख लिया था, वो दे ही नहीं रहा सर, बहुत एकदम परेशान कर रहा था। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं बताइए ना। नहीं सर, लगाने पहले आपके यहाँ गए थे, भेजे थे, वही पे टेस्ट हुआ था NPC में। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे ऑफिस से हमने आपके साथ कुछ गलत किया है तो लाइव चल रहा है, आप लाइव में बता सकते हैं कि हमने कुछ गलत किया। आपकी कोई शिकायत नहीं है सर। मान लीजिए दूसरे ऑफिस में आप पासपोर्ट दे दिए हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो नियम कानून या
कुछ है नहीं, समझ रहे हैं, बस आप लोग का प्यार है, ठीक है, प्यार से अपना पासपोर्ट निकालिए, ठीक है, और जो भी है, और आप लोग भी किसी भी ऑफिस में पासपोर्ट या पैसा देने से पहले 1000 बार सोचिए मेरे भाई, उस आदमी का पैसा पासपोर्ट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तभी दीजिए। हम बात करना चाहते हैं सुनील गुप्ता साहब, जो भी बात करना चाहते हैं एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपसे बात कर सकें, जो भी चीजें हैं। शिव जी विश्वकर्मा जी, शेयर करिए वीडियो को, 610 लोग देख रहे हैं मेरे भाई, इसको एक बार शेयर करिए वीडियो को, और बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कल कल के बाद रमजान का महीना शुरू हो जा रहा है, तो उसी की तैयारियों में लगे हैं कि जो है अल्लाह को किसी तरह राजी कर लिया जाए, भगवान को किसी भी तरह से, देखिए धर्म के बिना जो है जिंदगी बिताना बड़ी मुश्किल है, जान लीजिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जो भी आप लोग देख रहे हैं धर्म को पालन करना बहुत ही जरूरी है, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तभी जाके आपको सुकून मिल पाएगा, ठीक है। आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी जिंदगी में धर्म नहीं है, दीन नहीं है, तो आप सुकून नहीं मिल पाएगा। रियाज अंसारी भाई बोल रहे हैं, जी जी आप सही बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन, जो भी साथी बात करना चाहते हैं प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करें, जो पढ़े लिखे उसको ग्रुप में भी शेयर करें, समझ रहे हैं, ताकि यह जो है नॉलेज ग्रुप में शेयर कराने का मतलब क्या है कि बहुत से फिनिशिंग कारपेंटर हैं जो परेशान है, दिल्ली बॉम्बे में इधर उधर ऑफिस में जाके भटक रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। हम गारंटी ले रहे हैं, हमारे ऑफिस में आइए, आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू पास हो जाइए, हमारी जिम्मेदारी है, जान लीजिए, समझ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। वीजा जब तक आपका निकलता नहीं है, वीजा के नाम पे कोई डिमांड नहीं है कि 10,000-20,000 ला के जमा करिए, नहीं, वीजा आपका निकल जाता है, जहां मर्जी वहां चेक करा लीजिए, वीजा सही रहता है, फिर ला के जमा करिए पैसा, समझ रहे हैं। और हमारा एक ऑफिस है, हम कहते हैं लाइव में वो भी बोलते हैं कि हमारा एक वीजा आप जो है फर्जी साबित कर दीजिए, गलत साबित कर दीजिए, 10 लाख रुपए हम आपको इनाम देंगे। आज तक 10 साल से काम किया जा रहा, ऊपर ही हो गया 10 साल से, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? कोई साथी नहीं है जो बात करना चाहते हैं? वीडियो शेयर करिए मेरे भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं, और बाकी जो है आपसे बात कर सको, अपना फोन नंबर ना डालें, क्योंकि जो है फोन नंबर डालेंगे हमारा स्टाफ या हम आपको फोन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फर्जी लोग आपको फोन करेंगे, आपको झूठ बोल के मेरा फोटो लगा के आपसे पैसा भी ले लेंगे, तो फोन नंबर ना डालें। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? विश्वकर्मा भी आया है, मैं विश्वकर्मा कुमार मैं लगा रहा हूँ आपको, जी भैया नमस्कार, नमस्कार, क्या हाल सर चाल है, नमस्कार कहाँ से बात सर। कर रहे हैं, ठीक बताइए ना, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वाल पेंटर का चाहिए था सर, वैकेंसी अभी नहीं है। वाल पेंटर का तो अभी नहीं है, बीच में आप आया था, एसकेडी ग्रुप का बहरीन का इंटरव्यू भी हुआ तो था, सर आपको आना चाहिए था। उसमें तो आए थे, 25 25 तारीख को आए थे सर, नहीं उसमें सिलेक्शन हुआ है तो आप काम से सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उम्र कितना है आपका? सर। हमारा 21 साल था तो वही ना, मान लीजिए 21 साल है, आदमी सोचता, विदेश के लोग क्या सोचते हैं, 19-20 साल से जी काम आदमी शुरू किया होगा करना, 1-2 साल हुआ अभी उसको उतना काम नहीं मालूम है। सर। बहरीन में भी लगाया था तो कैंसिल हो गया, वो विदेश रिटर्न मांग रहा था। वही ना, देखिए जो भी लोग देख रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुन ले कि एज बहुत मायने रखता है। अब मान लीजिए हमारा ही एज 21 साल है और आप कंपनी है, आप आए इंटरव्यू लेने के लिए, हमारे 21 साल एज है और हम बोल रहे हैं 5 साल से काम कर रहे हैं, किसी का 30 साल है, वो बोला है नहीं हम 8 साल से काम किए हैं, तो जिसका 30 साल है उस पे ज्यादा विश्वास करेंगे कि हाँ, क्योंकि लड़का 10-12 साल की एज से पेंटिंग का काम नहीं करना शुरू करेगा, वो जरूर 19-20 साल का हो जाएगा तभी काम करना शुरू करेगा, इस हिसाब से क्लाइंट अपना दिमाग लगाते हैं, जान लीजिए। बाकी जो नए हैं फ्रेशर हैं, 20 साल 21 साल एज है, काम तो उतना नहीं मालूम होगा जो आपके सीनियर है, मेरी यही राय रहती है कि आप हेल्पर में जाएं, हेल्पर में कहीं कोई बात नहीं है। असलम अंसारी भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, जी असलम भाई सलाम वालेकुम। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात, कहाँ से बात कर रहे हैं? कतर में। दुआ कतर से भाई।
कौन से कंपनी में है? हम एग्लेंसिया ग्रुप में है। एग्लेंसिया ग्रुप, बताइए ना कुछ कहना था। सर हमारा भाई है, उसका इलेक्ट्रिशियन का वीजा चाहिए था, आपको ऑफिस में पासपोर्ट जमा किया, अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। इलेक्ट्रिशियन का भी वांट नहीं? आप खुद जान रहे हैं, आप कतर में हैं, आपको खुद मालूम होगा क्या सिचुएशन चल रहा है। रमजान का महीना 2 दिन है, समझ रहे हैं? गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? देखिए, जो भी साथी देख रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, रमजान के महीने में कोई मतलब जो विदेश में कंपनियां हैं ना, वो भी उतना काम नहीं कराती हैं, और रमजान के महीने में उतना वांट भी नहीं निकलता है, जहां तक मेरा मानना है। तो बड़ी सोच समझ के कहीं भी ऑफिस में रमजान के महीने में आप जाते हैं तो बड़ी सोच समझ के आपको जो है चलना है, बड़ी सोच समझ के आपको इंटरव्यू देना है। मैं नहीं कहता हूँ रमजान के महीने में जो भी इंटरव्यू चलता है सही नहीं चलता है, लेकिन बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि रमजान के महीने में क्लाइंट अब उतना आता नहीं है उतना, ठीक है? तो आप खुद समझदार हैं, जो विदेश रहते होंगे उनको मालूम होगा कि रमजान के महीने में क्या सिचुएशन रहता है विदेश में, ठीक है? अगर गलत कह रहे तो कमेंट करके बताइए। 811 शेर हमारे देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए यार, 1,000 पार हो जाए ताकि वीडियो और लोगों तक तो पहुंच जाए। ऑफिस के लिए मेरे स्टाफ अभी भी चाहिए, कुछ साथी कमेंट करके पूछ रहे हैं, वीडियो एडिटर सबसे जरूरी है, जब भी आप भेज सकते हैं वीडियो एडिटर, क्योंकि हमारा न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल पे वीडियो एडिटर की वैकेंसी खाली है, तुरंत आके ज्वाइन कर लें, अच्छी सैलरी है, रहना खाना फ्री है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं जो कंप्यूटर पे अच्छे तरह से काम कर सकें, एमएस ऑफिस का, एक्सेल का, बायोडाटा का सारा कर सकें। सती शर्मा साहब शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है असलम अंसारी साहब, आपसे बात हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रीशियन का नहीं है अभी, तो मान लीजिए झूठ नहीं बोलता, अभी इलेक्ट्रीशियन का हमारे पास स्टेट का नहीं है रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपको पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कभी भाई को भेज सकते हैं अपने, क्योंकि अभी नहीं है, अभी रमजान भी है, तो रमजान में इतना बहुत मुश्किल है। सुजीत शर्मा साहब, सवन सलमानी, जो भी साथी बात करना चाहते हैं, बस वीडियो शेयर करिए यार। देखिए 900 कुछ लोग देख रहे थे, फिर लो हो गया, एक बार और शेयर कर दीजिए। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? सुजीत शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है, मैं कॉल कर रहा हूँ सुजीत भैया, आपको मैं कॉल कर रहा हूँ। सुजीत भैया नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नमस्कार। हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है आपके ऑफिस में? सर मेरा पासपोर्ट जमा है, फिनिशिंग क्या कारपेंटर के ग्रेड लिए के कुछ कॉल। फिनिशिंग फिनिशिंग कारपेंटर कारपेंटर अब है? आप मान लीजिए जी अभी देखिए सर। वांट है, विदेश रिटर्न मांग रहा है, अब विदेश रिटर्न होंगे नहीं तो कैसे काल जाए आपको, कैसे बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए? सर इतना दिन हो गया, दिसंबर से हम करके रखे, आप इसमें इंटरव्यू में पास भी हुए, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ, सब कर किसमें, बोल रहे किस कि किस वाले इंटरव्यू में पास हुए थे आप? कुवैत वाले में 24 दिसंबर को जो हुआ था नहीं, चौबीस उसमें दिसंबर बोल रहे को थे जो किसी हुआ का। था, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ध्यान सुन लीजिए। देखिए जो कंपनी जो भी वांट देती है सुजीत भैया, उसके हिसाब से हमको चलना रहता है। मान लीजिए कंपनी है विदेश रिटर्न मांग रही है, समझ रहे हैं? तो हम इंडिया फ्रेश वाला देंगे भी ना, तो क्या सोचेगा पहले रिटर्नर को हम वीजा दे देते हैं, वीजा अगर रिटर्नर नहीं मिलेंगे तब इंडियन वालों को हम बुलाएंगे। उस केस में क्या होता है कि भाई हमारे पास रिटर्नर नहीं मिले उतने, बॉम्बे में करा लिया, दिल्ली में भी करा लिया, ठीक है? पता चला जो इंडियन एक्सपीरियंस वाले उनको छोड़ दिया, तो हम कंपनी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं यार, ठीक है? तो आप वेट करिए, मैं यही कहूंगा इंडियन एक्सपीरियंस वाला कोई भी मांगेगा तो जरूर आपका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? अनिल भाई हेल्पर का तो हरदम रहता है, जान लीजिए, आ जाए तुरंत काम हो जाएगा। हेल्पर का देखिए पूरे साल हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट रहता है, कभी भी आ जाए आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक देश के लिए रहता है लगभग लगभग। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी है जो बात करना चाहता है? नहीं कोई बात करना चाहता है, एक बार शेयर कर दीजिए, आप ही सिर्फ बचे हैं, आप ही सिर्फ बच्चे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपसे बात भी कर लूं। और जो है नमाज का जो है थोड़ा सा, असलम भाई, असलम अंसारी भाई कह रहे हैं 3 महीना हो गया, ठीक है? वांट नहीं रहेगा तो 1 साल भी रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। मैं देखिए गलत काम नहीं करता हूँ, जो सही है वही बोलता हूँ, ठीक है? मैं वीजा देता नहीं हूँ, मेरी कंपनी नहीं है, ना ही मेरी अबू की कंपनी है, कंपनी पास जिस चीज का रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जान लीजिए। और कोई साथी जो बात करना चाहते हैं वीडियो के ऊपर शेयर करें।